सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो होने वाले काफी ज्यादा मजेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम दो आरसी स्टानकार के बीच में फाइट करने वाले। दो गाइस, एक साइड है आरसी स्टानकार और एक साइड है सार्पर इमेज थंडर थंबलर रिमोट कंट्रोल 360 डिग्री स्पिनिंग कार। तो गाइस आज की वीडियो में हम इस दोनों कार के बीच में फाइट करने वाले। तो आज की वीडियो होने वाले काफी ज्यादा मजेदार। तो चलो गाइस फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक्स नहीं किया तो फटाफट से लाइक्स कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखो गाइस, ये रहा हमारा थंडर थंबलर स्पिनिंग कार। ओ भाई, एक बार इसका पैकेजिंग तो देखो। ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोलर, यहाँ पर एक 27 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का एक तगड़ी वाली रिमोट कंट्रोलर देखने को मिल जाती है। और देखो गाइस, ये रहा हमारा कार। एक बार यहाँ पर कार की डिजाइन तो देखो यार, एकदम खतरनाक लेवल का एक स्टैंड कार यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसका जो व्हील्स है मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। देखो गाइस, व्हील्स के ऊपर कांटे की तरह कुछ दिया हुआ है। और देखो गाइस, इसके पीछे में भी आपको एक बड़ा सा व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। और ये जो कार एकदम ही एक अट्रैक्टिव एक अलग ही लेवल का स्टैंड कार है। इसके ऊपर आपको एक सिंकी टाइप का कुछ चीज देखने को मिल जाएगी। और देखो गाइस, ये रहा इसका बैटरी का कंपार्टमेंट। ये जो कार है ये बिल्कुल भी रिचार्जेबल नहीं है। देखो गाइस, इसके अंदर आपको नॉन रिचार्जेबल डबल ए साइज का सेल इंस्टॉल करना होगा। तो मुझे ये चीज बहुत ही घटिया लगा। इसके अंदर तो रिचार्जेबल बैटरी दे देना चाहिए था। और ये इसका ऑन ऑफ का सिस्टम। दोस्तों अगर बात किया जाए इस कार की बिल्ड क्वालिटी की, तो इस कार की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाती है। और इस कार के अंदर हमें कुछ इस टाइप का फीचर्स देखो, जैसे कि व्हील 360 स्पिनिंग, क्विक टर्न्स, इस टाइप का फीचर्स हमें देखने को मिल जाती है। कार जो है ओवरऑल बहुत ही बढ़िया कार है। तो चलो गाइस, अभी हम फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं सिक्स व्हील स्टैंड कार को। तो गाइस, ये जो कार है ना, इस कार के अंदर भी आपको काफी सारा फीचर्स देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको पिसल से म्यूजिक सिस्टम एंड एलईडी लाइट्स दिया हुआ है। तो देखो गाइस, ये रहा इसका रिचार्जेबल बैटरी, और इसके साथ आती है एक चार्जिंग केबल, और ये रहा इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट कंट्रोलर। तो गाइस, अगर बात किया जाए इस कार की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये जो कार है ना काफी जबरदस्त हार्ड कार है। और इस कार के अंदर आपको काफी सारा व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। इस कार के अंदर मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगा इसका व्हील्स। और देखो गाइस, ये जो रेड स्टैंड कार है ना, इस कार के अंदर आपको एक यूजर मैनुअल भी देखने को मिल जाएंगे। इसको मैंने पहले नहीं देखा। इसके अंदर आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाएंगे, और कार को कैसे चलाना है सब कुछ लिखा हुआ है। तो गाइस, अगर बात किया जाए दोनों कार की डिफरेंट की, तो दोनों कार के बीच में यहाँ पर काफी अंतर है। आप देख सकते हो गाइस, एक तरफ है सिक्स व्हील स्टैंड कार जिसके अंदर आपको सिक्स व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, और एक तरफ है फाइव व्हील स्टैंड कार। तो चलो गाइस, अभी चलते बारह कार थे दोनों कार के बीच में फाइट। तो देखो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ बाहर, और अभी हम करेंगे दोनों कारों के बीच में रेस टेस्ट। देखते रेस के मामले में कौन है यहाँ पर ज्यादा पावरफुल, और किसका स्पीड यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल जाती है। देखो गाइस, यहाँ पर रेस स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर अभी दोनों कार ही साइड बाय साइड जा रही है। बट देखो गाइस, यहाँ पर थोड़ा आगे निकल चुके हैं मेरी रेड स्टैंड कार। देखो गाइस, यहाँ पर 360 डिग्री स्टैंड कार कैसे आगे जा रही है, इसका स्पीड भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाती है। बट देखो गाइस, अभी साइड से यहाँ पर जो सिक्स व्हील स्टैंड कार है वो रेड कार को क्रॉस कर दिया। रेड कार जो अभी पीछे पड़ चुकी है, और देखो गाइस, यहाँ पर पीछे पीछे जा रही है, और देखो गाइस, यहाँ पर सिक्स व्हील कार आके रुक चुकी है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए स्पीड की, तो यहाँ पर हमें सिक्स व्हील स्टैंड कार की स्पीड ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलो गाइस, अभी हम करेंगे दोनों कारों के बीच में पुशबैक फाइट। देखते हैं पावर के मामले में कौन है यहाँ पर ज्यादा पावरफुल। तो चलो गाइस, फटाफट से पुशबैक फाइट को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर पुशबैक फाइट शुरू हो चुके। ओ भाई यार, दोनों कार के बीच में देखो गाइस कितना जोरदार टक्कर हुआ है। दोनों ही कार काफी ज्यादा कोशिश कर रही है एक दूसरे को हराने की। गाइस, एक बार यहाँ पर रेड कार को तो देखो यार कैसे व्हील वगैरह मारी है, और यहाँ पर जो सिक्स व्हील स्टैंड कार है देखो गाइस कैसे वो अपनी व्हील को ड्रिफ्ट कर रही है यार, कैसे उलट पलट हो रही है। तो यहाँ पर दोनों ही कार काफी ज्यादा कोशिश कर रही है एक दूसरे को हराने की। बात यहाँ पर कोई भी किसी को हरा नहीं पा रही है। तो दोनों ही कार यहाँ पर टाई हो चुके। तो चलो गाइस, अभी हम करेंगे दोनों कारों के बीच में टग ऑफ वॉर। देख लेते पावर के मामले में कौन है यहाँ पर ज्यादा पावरफुल। ओ भाई, देखो गाइस, यहाँ पर सिक्स व्हील स्टैंड कार ने कैसे ड्रिफ्टिंग वगैरह कर रही है, कैसे वो ड्रिफ्ट करते हुए उस रेड कार को घसीटते हुए लेके जा रही है यार। यहाँ पर पूरा इस्तेमाल कर रही है अपनी पावर की सिक्स व्हील कार। देखो गाइस, वो कैसे रेड कार को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया, और कैसे वो घसीटते हुए लेके जा रही है। तो चलो गाइस, अभी हम कर लेंगे फटाफट से दोनों कारों के बीच में रेंज टेस्ट। देखो गाइस, यहाँ पर सिक्स व्हीलर कार जो है इसके अंदर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट कंट्रोलर देखने को मिलता है, और इसका रेंज जो गाइस कितना ज्यादा है, यहाँ पर 50 मीटर के आसपास से जा चुका था। तो चलो गाइस, अभी हम ये जो रेड स्टैंड कार है इसको लेकर ट्राई करते हैं। इसके अंदर आपको 27 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, और इसका रेंज हमें उतना ज्यादा नहीं लगा। और ये जो स्टैंड कार है कुछ इस तरीके से स्टैंड वगैरह भी मार सकते हैं, और अपने आप ही सीधा हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इन दोनों कार में से कौन सा कार अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप खरीदना चाहते तो कौन सा कार खरीद कर दोगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों, हम फटाफट से देते हैं शाउट आउट। तो यहाँ पर फर्स्ट नाम आ जाते हैं शुभजीत नंदी, गाइडलाइंस अमर दास, राजू एंड टॉय अनबॉक्सर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर आप भी चाहते शाउट आउट, तो इस वीडियो के नीचे प्यार से कमेंट टाइप कर देना। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट में। बाय बाय दोस्तों।